करें, आपको सुनाते हैं। सुधीर रतूड़ी जी एवं भाई कृष्ण कुमार सिंगल जी एवं सभी उपस्थित, हम में जितने भी मंच पर उपस्थित हैं, सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम में जिनके निमित्त आज ये कार्यक्रम हो रहा है, ऐसी हमारी सभी बहनें जो ग्राम संगठन, स्वयं सहायता समूह और क्लस्टर से जुड़ी हुई हैं, मैं सबसे पहले तो आज जो ये हाट बाजार और उत्तराष्ट्रीय स्टेट ऑडिटोरियम का आज लोकार्पण हुआ है उसकी आप सभी को बधाई देता हूँ। आप सबको बहुत शुभकामनाएं। और मैं तो सोच रहा था कि आज केवल कार्यक्रम वहीं पर होगा, यहाँ आकर देखा कि आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, तो निश्चित रूप से आप सबके बीच में आना बड़ा ही सुखद लग रहा है। क्योंकि क्या है कि मैं आप सब लोगों के बीच में जहां भी जा रहा हूं, अभी भाई साहब से कह रहा था नरेंद्र त्रिवेन जी से, कि मैं जिस स्थान पर भी गया हूं, कहीं रोजगार मेला लगा है, कहीं प्रदर्शनी लगी है, कहीं विकास मेले लगे हैं, अलग अलग जगह पर जो भी मेले हैं या कहीं कौतिक लगे हैं, तो जहां भी मैं गया उसके अंदर जाकर एक अच्छा ही लग रहा है आप लोगों से मिलकर। यहां पर जो मैं बताना चाहता हूं कि वहां मैं जब भी गया तो जिस स्टॉल पर भी पहुंचा तो वहां पर आजीविका मिशन से जुड़ी हुई जितनी बहनें भी मिली, सब लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री जी आपका धन्यवाद। अब हमने पैकेज तो पर्यटन के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करने वाले, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले, राजस्व विभाग के अंतर्गत काम करने वाले, पुलिस विभाग में काम करने वाले, सभी को पैकेज दिया। लेकिन अच्छा ही लगा कि आप लोग जहां भी मिलते हैं वहां पर आपके चेहरे देखकर ऐसा लगता है कि वास्तव में जितना किया उतना कम है और समय आने पर इसको और बढ़ाएंगे। अभी कुछ जगह पर नए जो स्वयं सहायता समूह है उनको खोलने की बात हुई है, उनका नया रजिस्ट्रेशन करने की बात हुई है। मैं सितारगंज में गया था तो हमने कहा कि जितने भी स्वयं सहायता समूह और बनाने की आवश्यकता है उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि वो सब बनाया जाए। देखिए आज देश, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ रहा है। आज पूरी दुनिया भारत को जान रही है। इतने सारे कार्यक्रम देश के प्रधानमंत्री जी ने चलाए हैं। अगर हम तुलना करें तो 2014 से लेकर अब तक सात वर्षों के शासनकाल में इतना काम हुआ है। अगर हम उसकी तुलना करें तो 60 साल पर ये 7 वर्ष भारी पड़ने वाले हैं। कितनी योजनाएं मोदी जी ने चलाई हैं, चाहे हम आज प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, आज हम जन धन योजना की बात करें, या हम स्वच्छ भारत अभियान की बात करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की बात करें, या हम पूरी दुनिया के आपके मुख्यमंत्री रहते हुए पूरे उत्तराखंड के सब व्यक्तियों को, चाहे अमीर है गरीब है, हर एक व्यक्ति को उत्तराखंड के अंदर आच्छादित किया है, सबको उस योजना में सम्मिलित कर लिया। आयुष्मान भारत योजना ऐसी योजना जो दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य के क्षेत्र में चलने वाली स्कीम है। ये सारे काम आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। आज पूरी दुनिया भारत का लोहा मान रही है। आप देखिए कि अभी प्रधानमंत्री विश्व सम्मेलन में गए थे, वहां भी पूरी दुनिया ने उनके नेतृत्व को स्वीकार किया है। वन वर्ल्ड वन ग्रिड वन सन, वहां पर जो प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया को एक संदेश देने का काम किया है। अभी अफगानिस्तान के अंदर हमारे देश के बहुत सारे लोग, वहां के जो तालिबानी घटना हुई थी उसके बाद वहां फंस गए थे, और एक एक भारतवासी को हिंदुस्तान लाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। हमारे उत्तराखंड के भी बहुत सारे लोगों को लाने का काम किया। हम सब सैनिक परिवारों में रहते हैं, सैनिक परिवार। तो अभी आपने सुना उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जहां उन्होंने एक बड़ी बात बोली, उन्होंने कहा कि जो 7